अस्सलामुअलैकुम। कसौटी और ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। आज के शो में हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है। राइट नाउ शी इज़ द प्रेसिडेंट रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ सादिकैन एंड ऑक्सफैम अवार्ड याफ्ता और उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से। सो शी इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, वेरी टैलेंटेड। आपको वेलकम करते हैं। मिस रिफत शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए दो किसान भाई जो कि ऑल द वे इस्लामाबाद धरने से हमारे शो में आए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की हाल चाल ठीक ठाक, शुक्र है। तुहाडे भी दीदार होगा, यकीन करो। बस बहाना बना इस्लामाबाद आना तो तुसी मिलना सी। मेरी नज़र है आपकी मार्च पे, आपके धरने पे, आपकी डिमांड्स पे। खालिद महमूद साहब हाँ जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो आपकी किसान एकता के सरकर्दा लीडर हैं। आते अपने दोस्त ने कहो ना कोई हिलजुल भी करना थोड़ी जी। वही तो कर रहा है और तुम कर रहे हो। सारा धरना उसी ने अरेंज करवाया। असल में सर ये लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, वो लग रहा है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की है और आगे भी वो करेंगे। बड़े वादे किए हैं। चीज़ों पे थोड़ा कमांड रखो, कुछ समझो, उसके बाद कमांड काट रखी है। जेब च पैसा नहीं बचन दिया, सारा कुछ टैक्स ते गवर्नमेंट लाई जांदी, खादां लाई जांदियां, बच्चों को की खवाइए। इसीलिए बुलाया आपको आज उस मौजू पे। मैं अपनी आवाज बुलंद करना है, यकीन करो। और मैं अपनी आवाज बुलंद करनी है। सुनिए, आपकी आवाज हम सुनेंगे लेकिन अभी बुलंद का मतलब ये नहीं होता। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, अगर मैं पहले उनसे बात कर लूँ। बड़ी टैलेंटेड है, फाइन आर्टिस्ट हैं। पेंटिंग तो फिर भी बहुत सी खवातीन करती हैं लेकिन स्कल्पटर आप हैं और बहुत बड़े बड़े सारे जितने हम देख रहे हैं। आउटडोर मैंने देखा है, इंडोर नहीं आपका काम देखा, आउटडोर स्कल्पटरिंग आप करती हैं। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से? जैसे बच्चा बड़ा होता है, शोर की राह पे डलता है, तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ याद पड़ता है कि मैं उसी वक्त से ही इसी तरह से कुछ कर रही थी। घर में काम हो, जो एक लाडो साबुन उस दौर में आता था, मैं उसको काफ करती रहती थी, उससे कुछ रस्में बनाने। और मैं अपनी बचपन की पेटी खोलती हूँ तो उसमें मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। तो वहीं से कहीं अम्मी अब्बू को अंदाज़ा होगा कि बच्चा जो ना उसका रुझान इस तरफ है। तो इसी तरह से शौहर बताता है कि वो उम्र थी जब मैंने कुछ इस पे काम किया है। तो आप फिर शिकागो कहीं यूएस से वहाँ से तालीम ली आपने? उससे पहले एक बड़ा मज़े का मेरी ज़िंदगी में एक कहते हैं उसे कैसे खूबसूरत हादसा हुआ। अच्छा। कि मैं 15 साल की उम्र में थी तो एक ऑक्सफैम नामी एक NGO पाकिस्तान आई और उसने पूरी दुनिया में एक कंपटिशन करवाया था ऑनर किलिंग के ऊपर। तो मैंने उस पेंटिंग में हिस्सा लिया उस मुकाबले के तौर पे। तो जब वहाँ मैं पहुँची, बल्कि पहुँचने से पहले ही पता चला कि मैंने पूरी दुनिया में पहला इनाम हासिल कर लिया। अच्छा। तो वो खुद आए पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ जी पेंटिंग का मुकाबला था ऑनर किलिंग, उसका जो सब्जेक्ट या मौजू था ये मैं जानता हूँ जी। तो फिर वो पाकिस्तान आए, उन्होंने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान में आके। फिर इसी तरह से मुझे मुख्तलिफ ममालिक में लेकर गए और एज अ रोल मॉडल मुझे उन्होंने अपने साथ रखा। अच्छा। फिर वहीं से फिर 2008 में मैं शिकागो चली गई अमेरिका और वहाँ से जाके मैंने अपना मास्टर्स किया। वाह वाह ज़बरदस्त। यही वजह है शायद कि आपके काम में एक बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। मैंने जो देखी है चीज़ें, आपने जो एक पूरी तफसील भेजी, अच्छा किया आपने, वो देख के अंदाज़ा होता है कि आपका एक्सपोजर है आपका। और ये एक बड़ी ठीक ठाक अच्छी इंडस्ट्री है, ऐसे फ्लरिश कर नहीं पाई जैसे करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं नुकात पे भी काम किया है कि जबकि हमारी अगर गवर्नमेंट के और बहुत सारे मसाइल हैं तो हम अपने तहीं इस पे काम कर लें कि हम इस मुजस्मा साजी का जो ये शोबा है उसको एक इंडस्ट्री में बदल दें, उसे बिजनेस में ले आएँ। वो जिन साहब ने आपको मुतारिफ करवाया था ना मेरे साथ, बुखारी साहब ने जी, तो वो आपके बारे में बता रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है हम करेंगे बातचीत। लेकिन जो ही उन्होंने आपकी वो उस मॉन्यूमेंट का जिक्र किया ना जी कि ये DHA में बहुत सारा काम उन्होंने कर रखा है जी। मैंने कहा अच्छा जी कर रखा होगा, यकीन बेशुमार लोगों ने कर रखा है जी। उनके वो जो पेन और किताबें हैं ऐसे ही है, जो पेन का मॉडल और वो किताबें, वो जो मॉन्यूमेंट है या म्यूरल है, इसको आप क्या कहती हैं? इसको भी हम मुजस्मा ही कहते हैं। मुजस्मा कहते हैं यानी स्टैचू ये है जी। तो वो फौरन उसकी एक तो रिकॉल वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, दूसरा मेरा रूट वही होता है जी। मैंने जब भी निकलना, वतीन चौक क्रॉस करें, एक मुजस्मा क्रॉस करें तो दूसरा आ जाता है जी। ऐसे ही है। और ये लाहौर ग्रामर के बिल्कुल करीब है। मतलब सारे मुजस्मे तुसी बनाते हो जी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मिस्त्री इन अ सेंस, आप जैसे कि मट्टी से अपनी फसल उगाते हैं, मैं मट्टी से हिस्से जमालियात पे काम करती हूँ। वाह वाह। तो इसका मतलब तुसी असि एक ही आ गए। सुभान अल्लाह, देखो कैसी कर रहे। धरने च आना सी ते बरकत पैनी सी। बहरहाल ये वे कि भाईजान मेरिया फसलों चो एक मुजस्मा बना दो। मेरे दादे की तस्वीर पई है, दादे होरी इंज करके खड़े ने, और तुसी फसल दे विच वड्डा सारा मुजस्मा बनाना है। अगर वो आपके किसी काम आ सकते तो मैं जरूर बना दूंगी। और अगर आपके पास बजट है, पता है कितने का बनेगा? कितने का? करोड़ रुपए का। वाह, 20,000 मैं दादा ही दे दे रहा। अच्छा जी ये बताइए कि ये शौक जो है शौक आपका नहीं, आप तो इसको अपने काम के तौर पे भी करती हैं, पैशन भी है आपका, प्रोफेशन भी है। ये जो लोग अफोर्ड करते हैं घरों में, लोग जो अपनी कॉलोनीज में, अपनी रिहायशी सोसाइटीज़ में, ये कितना को महंगा है, चार्ज क्या करती हैं आप? अगर हम एक फ़र्द की बात करें तो फिर आ जाता है ये ताशियात की जानिब। तो लोग तो आजकल बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, तो ये तायुश में आता है अगर पर्सनली किया जाए। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने देखा है कि जो एक इंफरादी हैसियत कोई रखता है तो वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता या इस पर बातचीत नहीं करता। ये ज़्यादातर ये है कि मैं सरकारी इदारों के साथ या फौजी इदारों के साथ काम कर रही हूँ तो फिर थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लेते, लेकिन इन दिनों थोड़ी मंदी चल रही है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ भी बेशुमार, जिस तरह हमारे यहाँ गरीब बहुत है ना, इसी तरह हमारे यहाँ छिछोरे भी बहुत हैं। तो ये स्नॉबरी जिसको कहते हैं, नौदौलते ऐसे ही है। तो स्नॉबरी वाले लोग वो इस बात को दिल पे ले लेते हैं, यार अच्छा हम इंडिविजुअली नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा रिफत बीबी को अब हम बताएंगे कि हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, हम अपने लॉन में 2 मुजस्मे बनवाएंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की फिर भी कोशिश होती है कि वो पेंटिंग्स बनवाएं, तस्वीर कशी के साथ चले जाएं। मुजस्मा साजी की तरफ अभी भी बहुत कम रुझान है पाकिस्तान का। ट्रेंड इसलिए नहीं कि हमारा कल्चर है कि हम तो बुत शिकन है, ऐसे ही है क्योंकि ये चीज़ हमने डिराइव किया अपने रिलीजन से। बिल्कुल ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो वो मुजस्मे होते हैं जो शक्लो शबाहत जो है वो जो इंसान से ना भी मिलती जुलती हो, हम वो भी तबाह कर देते हैं। तो अभी तक मैं इस टैबू से तो लड़ रही हूँ पाकिस्तान में मुसलसल। तो वो टैबू तो है, वो इश्यूज़ तो हैं, लेकिन कलम और दवात का मुजस्मा जो है ये एक बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बेजान चीजों का है, बेजान चीजों पे। हाँ, बिल्कुल। भाई गेंद जी भी आते जाने रखी है। हाँ जी, वो भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा माल रोड पे भी काम हुआ हुआ है कुछ, अभी वॉल्टन गेट में कैवलरी ग्राउंड के साथ काम किया है। वो सारी ठीक है, आपने अभी तक कीमत नहीं बताई, आप जानबूझ के नहीं बताना चाह रही। देखिए मुख्तलिफ मुजस्मों की एक रफ चीज है, एक अच्छी मॉन्यूमेंट है। लेट अस सपोज कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसे देख के मैं बहुत मुतासर हुआ था। अच्छा मैं बाय द वे फाउंटेन पेन का बहुत बड़ा शदाई हूँ। बिल्कुल, मैं पसंद नहीं करता बॉल पॉइंट से लिखना, मैं पसंद नहीं करता मार्कअप, मुझे मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन ये जो पुराने लोग हैं ना ट्रेडिशनल, मैं वही कह रही हूं, आप जैसे लोगों के लिए फाउंटेन पेन बिल्कुल जिनकी हिस्से जमालियात जो बनाया है ना, दैट इज अ फाउंटेन पेन। बिल्कुल ऐसे उस तरह का पहले मॉन्ट ब्लैंक का एक मॉडल आया करता था। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि अगर वो जहन में रखा जाए तो कितने में बनता है? मेरे ख्याल से 35 लाख। 35 लाख का? जी ऐसे ही है। क्यों भाई 35 लाख के पूरे स्कूल दी किताबां आ जानियां, बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी जनाब। 35 लाख में तो 4 दादे आ सकते हैं तुम्हारे। मैं यहाँ ऐड करूँ कि दुनिया का इस वक्त महंगा तरीन जो स्कल्प्टर है वो अमेरिकी है, जेफ कून्स जी, और उसकी नेटवर्थ कोई $500 मिलियन है। वाह। और ये पाकिस्तानियों की भी हो सकती है अगर हम इस पर थोड़ा सा काम कर लें तो, क्योंकि हम किसी सूरत पीछे नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। आप इंसानी शक्लो शबाहत नहीं बना सकती, बाकी जरूर बनाइए। देखिए एक इस पे मैं थोड़ा सा इसलिए रोशनी डालना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने काम किया था माल रोड के ऊपर तो वो इंसानी शक्लो शबाहत पे ही था मुनसर। तो उस वक्त इस बात पे ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि मौलवी तोड़ देंगे या कोई भी किसी भी तरह से उसके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन खुशी इस बात की कि वो आज भी लगा हुआ है और उस पर हमला नहीं हुआ। तो जिससे मुझे खुशी होती है कि वैसे पाकिस्तानी कौम को शऊर आ तो रहा है इस मामले में कि ये हमारे हिस्से जमालियात से ताल्लुक़ रखता है, हमारे किसी इस ऐसे अमल से ताल्लुक़ नहीं रखता जिससे किसी की दिल आज़ारी होगी। लेकिन रजीत सिंह का मुजस्मा आपको पता किसी ने गिरा दिया था? जी ऐसे ही है, केस भी हो गया था, बंदे अंदर भी हो गए थे। जी ऐसी राइवलरी है ना, वो तो दुश्मनी की जी, कोई इंडियन है कोई सिख है तो हम क्यों करें। देखिए हाँ जी, एक शहर में मैं नाम नहीं लेता, एक बड़ा शानदार घोड़े का उन्होंने वो बनाया तो लागतबाजी में किसी ने जाके उसकी दुम तोड़ दी। बिल्कुल ऐसी है, घोड़ा बेचारा दौड़ने तो इनकार ही हो गया। इसके अलावा मैं एक और बात जो इस वक्त करना चाहूँगी वो ये कि हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ का शऊर पैदा नहीं हुआ कि जो मुजस्मा या कोई भी फनपारा जो बनाया जा रहा है उसके अंदर एक आर्टिस्ट ने जो लगन मेहनत की है उसके प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं डिक्रीज़ होते हैं, क्यों इसके ऊपर इतना काम होता है, सिग्नेचर वैल्यू क्या कहलाती है। जब कोई मुजस्मा या फनपारा बनाया जाता है तो उसकी ख़ास लकीरें होती हैं, कंपोजिशंस होती हैं जिनको डेवलप किया जाता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट सामने आता है। तो उसी मुजस्मे की कीमत जो हो वो बढ़नी चाहिए, ना कि हर एक शख्स को जो कि एक जिसने हमारे साथ एक लेबर की तरह काम किया और थोड़े से वो सीख गया है कि हमने अपने मटेरियल को यूज़ करके किसी चीज़ को कैसे खड़ा करना है, उसको ये नहीं पता कि अब इसको कंपोज कैसे करना है, आपकी आंख ने उसके साथ घूमना कैसे है, उसने किसी जगह की खूबसूरती में इजाफा कैसे करना है, पस मंज़र में क्या था। तो ये सब चीज़ें जो नहीं कर पाता, मैं समझती हूँ कि अफसोस थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे भी आजकल है कि इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ किया जाए कि फ़नपारा बनाने में जो मेहनत लगती है उसमें कंपोजिशंस के बड़े ख्याल रखे जाएँ। हर आदमी जो इस वक्त बना रहा है मुजस्मा या फनपारा वो फनकार नहीं है। सर मेरा एक सवाल है जनाब, ये हमारी जो हिस्से जमालियात है वो इतनी महंगी क्यों नहीं बिकती? बीबी भी मट्टी से काम लेती है, हम भी मट्टी से लेते हैं। जी बहुत महंगे बिकते हैं आप भी। हाँ, आजकल फूड भी कहाँ चला गया, फूड देखें कहाँ से कहाँ। पता है प्रॉब्लम क्या है? बीबी प्रोड्यूस करती हैं और खुद बेचती हैं। आप प्रोड्यूस करते हैं और किसके मरूने मिन्नत हैं आप? आड़ती के मिडलमैन के। तो जनाब के देखें मिडलमैन कितना अमीर है। फिर जनाब करें क्या? इस मिडलमैन का खाना ही खराब होना है, मौला ने चुकना है। कनाडा में मैंने एक एक्सपीरियंस किया इस दफ़ा और मैंने उसका तस्करा भी किया अपने एक व्लॉग में कि वहाँ जगह जगह लिखा हुआ है कि आपने अगर फ्रूट लेना है फार्म से, सब्ज़ी लेनी है तो खुद अपनी मर्ज़ी की चीज़ काटें भी खुद। ज़बरदस्त। वहाँ पर टूल्स पड़े हैं, इम्प्लीमेंट्स पड़े हैं, आप वो करें। सीढ़ियाँ मौजूद हैं, अगर आपने दरख्त पे चढ़ना है तो वो करके अपने रिस्क पे अपनी मर्ज़ी पे करें। और ये केबन है वहाँ पे पैसे भी खुद जमा करवाएं, कोई मसला कोई नहीं है, वी ट्रस्ट यू। बिल्कुल। और अगर आपको सर्विस चाहिए तो याद रखिए वो बहुत महंगी होगी। क्यों? कोविड-19 के बाद वहाँ पर सर्विस इतनी महंगी है कि लोग अब काम के लिए अवेलेबल जो फारिग किए गए थे वो इन 2 सालों में बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मजा ले रहे हैं। तो कहते हैं जी हम तो घर बैठ के इससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। यही चाहती हूँ किसान भी अब जिद्दत पसंदी का शिकार हो जाए। काम करें भाई, ये काम जिद्दत इख्तियार करें। खालिद भाई खास तौर पे मेरे मुखातिब आप हैं, खालिद महमूद साहब जो लीडर हैं किसान मूवमेंट के, आप इन्हें ये मशवरा दें कि किसी तरह ये जो आड़ती है, ये जो मिडल मैन है, इसके चुंगल से निकलें, क्योंकि एट अ टाइम आप एक चुंगल का शिकार हो सकते हैं, या हुकूमत का या आड़ती का। आप 2-2 चुंगलों में फंसे हुए हैं। भाजी वाह भाजी क्या कहने, तुहानू पता 2 लाख किसान आया उसे, किसी ने इहो जी गल नहीं की अज तक। चले मैं भी किसान हूँ चुंगल से, इसी बहाने मैंने भी बात कर ली। माशाल्लाह तुसी तो मैं किसान हूँ तो की ना बात। ये मसाइल समझता हूँ कि हमारी खाद के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तवानाई के प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो 3000 की खाद थी अब 14,000 की है, जो यूनिट पहले 5-6 का था वो 30-35 का हो गया, और टैक्स नई जिल्लत उसके साथ अटैच हो गई है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि ऑटोमेट करें चीज़ों को, खुद इन्वॉल्व हों और थोड़ी सी तालीम किसान को, और किसानों को बिल्कुल मुरक्का अदब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक नॉलेज देने की ज़रूरत है, उन्हें कंप्यूटर फ्रेंडली करने की ज़रूरत है कि मौसम के हालात देख के काश्त किया करें। पानी लगाना है तो देखें कि कहीं ज़ाया ना हो जाए, मेट ऑफिस क्या कहता है। बिल्कुल। अब तो सारे ये कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड आते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी है ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। जी सर चलें जी, हम कसौटी की तरफ चले। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी दानियाल फारूकी। दानियाल साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा जी लाहौर से। जी वेलकम टू द शो। शख्सियत फारूकी साहब मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से? जी बिल्कुल। साउथ एशिया? जी। पाकिस्तानी? जी। जनाब शकील साहब। फारूकी साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं जी। 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी बिल्कुल। 25 से ज़्यादा और 50 से कम। 1972 से 1997 के दरमियान। ओके। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भैया? जी बिल्कुल। अब ये मेरा गेस इसलिए भी था कि इनको देखते हुए मैंने गेस किया कि ये सियासत और हुकूमत से मतलब, क्योंकि दानियाल का कैरेक्टर भी फारूकी भी, ये बहरहाल सियासत और हुकूमत समझ आती है। ताल्लुक पंजाब से? नहीं। सिंध से? जी बिल्कुल। एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक सिंध से है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था। 10 सवाल। कराची है अर्बन, सिंध अर्बन और सिंध रूरल, इस तरफ जाएं। अब पहले पार्टी डिटरमिन करें या अर्बन और रूरल? अर्बन रूरल जो है। अच्छा जी, ताल्लुक सिंध अर्बन से है? नहीं जी, रूरल सिंध से है। रूरल सेंस से अहम शख्सियात जो इस वक्त हयात नहीं हैं, मखदूम तालिब अल-मौला जमान, मोहम्मद जमान तालिब अल-मौला, मखदूम अमीन फ़हीम के वालिद, मुमताज़ भुट्टो, बट ही डाइड लेटर, यस वेरी मच लेटर, जतोई, क्या कहते हैं, प्रॉबेबली बुलामा मुस्तफा जतोई बाद में ही फौत हुए हैं 97 के बाद। पीर पगाड़ा, उनका ज़रा सोचिए, एंड ए.के. ब्रोही, बाय द वे ए.के. ब्रोही के नाम पे इस्लामाबाद में 2 सड़कें हैं, एज इफ वी आर शॉर्ट ऑफ हीरोज़। ए.के. ब्रोही इज़ मोर प्रॉबेबल। 11 सवाल हो चुके हैं। तो ये पूछा जाए कि कानून के शोबे से ताल्लुक़ था, कानूनदान थे। पार्टी का ना डिटरमिन कर लें, पार्टी तो पीपल्स पार्टी मेन पीपल्स पार्टी है, और अगर नहीं है तो फिर जाएं ए.के. ब्रोही। क्या ख्याल है? चलें फरूकी साहब, ये बताइए कि ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? यस सर। फिर ए.के. ब्रोही तो ना हुआ। यस, ए.के. ब्रोही इज आउट। सिंध रूरल है तो 80% इम्कानात पीपल्स पार्टी। क्यों ये का सवाल कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी आप इस तरह देखते हैं? लाड़काना की तरफ मार्च किया जाए। लाड़काना, खैरपुर, मार्च करना तो इस्लामाबाद वाली साइड से करो, हाला, हाला की तरफ भी जाए भैया, पीर ऑफ हाला शरीफ। ये पिछले दिनों पूछा भी गया है रिसेंटली ना, मेरा ख्याल है 1 महीना पहले। तालिब उल मौला, पीपल्स पार्टी के सबसे अहम मखदूम अमीन फ़हीम के वालिद, और बड़ा अहम कैरेक्टर, हाला, हाला से बात। मेरा रूहानी शख्सियत ही थे। मेरा ध्यान पीर ऑफ हाला शरीफ की तरफ जाता है। इसके अलावा कोई और भी है तो सोचें। ये तो शायर भी थे, अदीब, शायर और अदीब थे। यस, तगड़े। सिंध अदबी बोर्ड के चेयरमैन रहे जी। और अगर आप देखें तो फारूकी साहब खुद भी थोड़ा सा सिंधी टच रखते हैं अपनी लुक में। सिर्फ एक टोपी का फर्क है कि टोपी ने पहना दे तो 100% ही लुक्स लाइक अ सिंधी कैरेक्टर, ही लुक्स लाइक अ साईं। इस तरह के बंदे ने 12 शेप चलते होंगे, छोटे पानी जी टप वाले। अच्छा, तुम्हारे हालात इसीलिए नहीं हो रहे, तुम अपने अफसरों के खिलाफ बात करते हो। मैं किथे की थी भाई, शिप भी छोटे टब में चलाते हैं, क्लाइमेक्स। अच्छा जी, ये बताइए कि शख्सियत का ताल्लुक खुसूसी तौर पे इल्म फजल से भी था? नो सर। तो हाला शरीफ इज आउट। ओ जाने मौला पूछ लो। ओ जाने मौला नहीं, तालिब उल मौला। वही पीर ऑफ हाला शरीफ है। अब आप इधर से शुरू, जैकबाबाद जाइए। क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? 13 क्वेश्चन। भुट्टो के करीबी साथियों में से जी, ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो उन्हीं का एरा था। भुट्टो का आप भी पूछ सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो कैन बी वन कैरेक्टर, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो का इल्म फजल से ताल्लुक नहीं था। 15 किताबों का वो राइटर था। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इज, ये जो आज हम रोना रो रहे हैं, हकीकी आजादी मार्च जी, ये मैं उस वक्त वो लिख कर चली। उसने कहा था कि ये कौन सी इंडिपेंडेंस हो, किस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और उसे बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बेचारा कमजोर था, इसलिए सैले रवा की तरह बह गया। ये तगड़ा था, आज भी खड़ा। रूल आउट करें लाड़काना को। फारूकी साहब, इनका ताल्लुक लाड़काना से था जी? इनका ताल्लुक लाड़काना से, लाड़काना से, लाड़काना से। वी आर देयर। वकील साहब ये पूछ ले कि इन्होंने कहा था कि लड़ोगे मरोगे और बहुत सी चीजें हैं। एक सेकंड, भुट्टो का बेटा, भुट्टो का बेटा इसी दौर में मरा था, वो 96 में मरा था। यस, याद है जो सड़क पे भयानक वाक्य हुआ था इसी पीरियड में। मतलब दोनों बेटे उनके इसी पीरियड में नहीं गए जी, मीर मुर्तजा भुट्टो एंड दूसरा शाहनवाज। तो भुट्टो साहब को तो रूल आउट हम ये कर सकते हैं कि सदर और वजीर आजम के ओहदे पे रहे वो, अगर नहीं है तो फिर वो बेटों की तरफ बात जाएगी। आप पहले आए ना जी। फारूकी साहब, ये जो शख्सियत है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहे जी? बिल्कुल। सबसे पहले कौन सी शख्सियत बताई थी? Exactly. ये सीधा भुट्टो का केस बनता है, लेकिन इतनी आसान शख्सियत हमसे पूछेंगे नहीं। 15 सवाल। अच्छा जनाब, ये बताइए कि मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर थे? यस। आपने जुल्फकार अली भुट्टो पूछा। वाह वाह। जी, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? ज़हीर शिराज़ी मेरा नाम है। ज़हीर साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? वैसे तो सरगोदा से है परमानेंट, लेकिन लाहौर सेटल्ड हो गए हैं। चलिए वेलकम टू द शो। शिराजी साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द बिल्कुल। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया का मतलब ये हुआ कि इंडिया से है? इंडिया से भी तलक रहा है जी। तो फिर जाहिर है पाकिस्तान से भी होगा। मेरे ख्याल पीरियड पे अगर हम जाएं उससे हेल्प मिलेगी। जी जी जी, जी। ये कोई अफगान भी हो सकता है जो इधर आया हो। आप कहें 75 साल जाए ना स्ट्रेट अवे। इनके इंतकाल को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, 1947 के बाद। बस ठीक है, क्लियर। पाकिस्तानी नेशनल है डेफिनेटली। आपने नहीं बोलना, मैं हम आपस में शिराजी साहब बातचीत कर रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आई लेकिन मैंने आपकी नॉडिंग देख ली है कि यस ही इज अ पाकिस्तानी। शिराजी साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी 50 से ज़्यादा और 75 से कम। 1947 से 1972 के दरमियान। बिल्कुल ठीक। शिराजी साहब, इनकी वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत? नो। इल्म और फजल है वजह शोहरत? जी। ताल्लुक पंजाब से है भैया? जी। 10 सवाल ये पूछा जाए कि कोई मजहबी स्कॉलर? बिल्कुल हो सकते हैं, मजहबी स्कॉलर भी हो सकते हैं। शिराजी साहब, कोई मजहबी शख्सियत? नहीं। कोई अदीब है? जी। कितने सवाल हो गए? 12। वजह शोहरत शायरी है इनकी? नहीं। आहा, नसर निगार हैं भाई, अदीब हैं, नसर निगार हैं, शॉर्ट स्टोरी, नावल। शफीकुर रहमान 80 में फौत हुए थे, 80-81। कर्नल मोहम्मद खान, वो भी मेरे ख्याल इस पीरियड के तो बाद के ऐसे ही। मोहम्मद खालिद अख्तर, कुछ थोड़ा सा फर्क है। पत्रस का इंतकाल कब हुआ था? आई थिंक तो पीरियड वही बनता है। मज़ाह निगार, ये हम एक कैटेगरी बना लेंगे मज़ाह निगार की। और संजीदा राइटर्स में मुमताज़ मुफ्ती हैं, में वो है क्या है वो जो खुदा की बस्ती, वो तो कराची में थे, शौकत सिद्दीकी, लेकिन दैट इज़ कराची बेस्ड। अच्छा शिराजी साहब, ये बताइए कि बुनियादी तौर पे मज़ाह निगार थे? नहीं। अब नावल निगार और अफसाना निगार रह गए। अफसाना निगार हो सकते राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, कन्हैया लाल कपूर, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह डाइड मच लेटर। बट ये शख्सियत पाकिस्तान, हमने ये डिटरमिन कर लिया इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो कह रहे थे, ये ही नॉडेड व्हेन वी सेड पाकिस्तानी पर्सनालिटी। हां, वहां से हमें पता चला था। मुस्लिम पर्सनालिटी ये पूछ लिया जाए फिर क्या? अच्छा जी, इज ही अ मुस्लिम? जी हां, पर इधर का ही है। हां डेफिनेटली, जो हमने मुफ्त में किया था यस, वो खर्च बराबर हो गया, इजी कम इजी गो। यस। मंटो की जरा बताइए क्या है? हाँ, मंटो डाइड इन दिस पीरियड। या 50s। इन्होंने बॉम्बे में भी काम किया था। जी। होशनगारी के इल्ज़ाम में तारीखें भी भुगतते रहे। जी हाँ। सादत हसन मंटो पूछा आपने। गुड पर्सनालिटी, वेरी गुड पर्सनालिटी। हमारे हाथ से निकल गई थी वैसे। सादत हसन मंटो बहुत बड़ा नाम, कोई मुतबादल पैदा नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आपका टैलेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जो पत्थर चौके मार देंदे हुंदी ठा। मैनू कोई छोटी जी बिल्ली दा मुजस्मा बना दो, इतना सस्ता या बहुत सारे भिजवा दूंगा 300 रुपए का। यानी गुर्बत का आलम देखिए, 300। इस वक्त तो एक ब्रेक का स्टेशन। वेलकम बैक जी। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख लईक अहमद। कहाँ से ताल्लुक है शेख साहब? लाहौर से। अच्छा जी शेख साहब, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नो। एशियाई? जी। आज सारी एशियाई शख्सियत है। ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? जी। इंतकाल को शकील साहब चेक। शेख साहब, इंतकाल को इस शख्सियत के 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो। 25 साल से ज़्यादा? नो। शोबा इज़ इम्पोर्टेंट, वजह शोहरत। और ये सियासत पे ना जाइएगा, ज़रूरी नहीं। कोई आम शख्सियत, मारूफ शख्सियत होगी, बिजनेस भी हो सकती है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के ज़्यादा चांसेस हैं। जाइए। शेख साहब स्पोर्ट्स से ताल्लुक़? नो। शोबिज़ से ताल्लुक़ शेख साहब? नो। सियासत और हुकूमत से? यस। ओके 10 सवाल। अब्दा साहब क्या चेहरे बोलते हैं? नहीं, वो चेहरे बोलते जो जिंदा होंगे, जो मैडम बनाते वो नहीं बोलते। मेरी लकीरें बोलती हैं भाई। बोलते हैं अगर तुम मेरी कंपोजिशंस बोलती हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हो ना। या उनको ज़्यादा देर खड़े रहो तो बोल पे चालो आगे। वो हमें इतना बुला चुके होते हैं। शेख साहब ताल्लुक पंजाब से? नो। हिंद से? नो। ताल्लुक केपी से भैया? जी सर। बशीर बलोर अपना वली खान ओबीसी में आते हैं। वली खान हैं, बशीर बलोर हैं, और इत्तेफाक से दोनों का एक ही पार्टी से ताल्लुक, ANP और ANP। फिर काजी हुसैन अहमद। यस। और एक और मौलाना, हाँ, समीउल हक, ही डाइड। वो तो रिसेंटली, बहुत रिसेंट, मीन सेम पीरियड। कोई और शख्सियत ज़हन में आती हो? ये मतलब इसको हम नैरो कर सकते हैं, ANP से या किसी मजहबी जमात से। कर लेंगे भाई, मजहबी जमात से ताल्लुक वो तो हम कर लेंगे ना। वो तो 2 आ जाएंगे ना फिर। यस। अकोड़ा खटक की तरफ चले जाएंगे ना अगर जाना हुआ तो। और ANP के एक और भी खटक साहब भी फौत हुए ना, आई थिंक इन द सेम पीरियड। असलम खटक? नहीं, अजमल खटक। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ उन्होंने एक शोरा फाक जलसा किया था, तकरीर की, जहाँ उन्होंने अफगानिस्तान के साथ इल्हाक की बात की। अजमल खटक इज़ अ बिग नेम बाय द वे। तो लेट्स स्टार्ट विद ANP देन। ANP रूल आउट होगी तो फिर काजी हुसैन अहमद बचते हैं। ताल्लुक ANP से है शेख साहब? नो सर। जमात इस्लामी से है? नो। अब हमारे पास सिर्फ रह गए समीउल हक। 15 सवाल। पीपल्स पार्टी की कोई शख्सियत देखो यार, नवाज लीग की कोई शख्सियत देखो, बड़ी अहम शख्सियात है। अच्छा, ये जो तालिबान के लीडर्स थे वो काफी मारे गए हैं। बैतुल्ला महसूद, तालिबान को अब मजहबी, उसमें मजहबी ही तो है ना, मजहबी देयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज रिलीजन। तो पूछा जाए मेरे ख्याल में बैतुल्ला महसूद है, हकीमुल्ला महसूद भी है, हकीमुल्ला, बैतुल्ला महसूद, ये दोनों कैरेक्टर्स बड़े। तो शेख साहब कोई मजहबी शख्सियत? नो। ये सही गुगली है जी। वाह, बहुत सारी पर्सनालिटीज मेरे ख्याल वायलेंट डेथ से रूल आउट हो सकती हैं। चलें कर लें। शेख साहब इनकी डेथ वायलेंट थी? नो। शकील साहब हाथ से निकल गई पर्सनालिटी। एक साहब कोई बड़ी ढूंढ के लाए हैं जी पर्सनालिटी। एक साहब तुम पता है तो बुजुर्ग शख्सियत यार, हाँ ये जिन्हों आया होता ना, वो तो पकड़ाई हुई। गुलाम इसाक खान का जरा मुझे बताइए। यस। इनने वफात क्या है? आई थिंक पीरियड में है मेरे ख्याल में। यस, डेफिनेटली दिस पीरियड। And he's smiling. Look at the smile on his face. What a broad smile, and he is trying to hide it now. और उनका ताल्लुक बन्नू से था ना बेसिकली। उनका ताल्लुक तुम ये देखो प्रेसिडेंट हाउस से था कि नहीं? क्या गल सदर, ये कैसे हो सकता है यार, अहम शख्सियत हो, इस पीरियड की और हमारे रडार पे ना, रडार के ना पेरिफेरी में फिर रही है। अगर ये नहीं भी है ना तो वो भी फिर रही है, आ जाएगी। क्वेश्चंस कितने हुए जी? 17। आई थिंक वी आर देयर, वी आर देयर। शेख साहब ये सदर के ओहदे पर फाइज रहे? यस। गुलाम इसाक खान को पूछा आपने? जी सर। इस वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटी और ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। जी सर, अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद शकील शेख। शेख साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। वेलकम टू द शो। थैंक यू। शख्सियत मर्द, जिंदा, एशियाई, साउथ एशिया। यस। इब्दा शख्सियत साउथ एशिया। ताल्लुक इंडिया से? नो। पाकिस्तान से? यस। एक साहब जी सर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो। इल्म और फजल से? नो। स्पोर्ट से? यस। तो डेफिनेटली क्रिकेटर, पाकिस्तानी है तो क्रिकेटर ही होगा। अच्छा जी, गेम जो इनकी है, स्पोर्ट जो इनकी है, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है? नो। टीम स्पोर्ट है। बस फिर क्रिकेट ही होगा। इज ही अ क्रिकेटर? यस। अच्छा जी, क्रिकेटर। सवाल हो गए हैं 11। रिटायर्ड क्रिकेटर हैं जी? जी। रिटायरमेंट को 15 साल से ज्यादा हो चुका है? यस। वाह, अब तो पहुंचे 2007 से पहले। फिर आसान हो जाएगा। 2007 से पहले होता ना तो फिर बहुत आसान होता मेरे लिए। अब इसमें मुझे FSJ की मदद की जरूरत होगी। मैं तो बहुत मारता हूँ, भाईजान भी मारते हैं इसमें, हम इसकी मदद तो हाँ जी आपकी मदद। अच्छा जी, 15 साल से ज्यादा हो चुका है तो हम फिर 25 साल पे चले जाएं। भैया, आप 25 साल से ज्यादा हो चुका है रिटायरमेंट को? नो। 97 और 2007 के बीच। 97 और 2000 के बीच। वजह शोहरत इनकी बॉलिंग है? नो। 15 सवाल। आमिर सोहेल भी होता है ना? आमिर सोहेल, सईद अनवर भी होता है। आमिर सोहेल तो पहले नहीं हो चुका था? 92 की टीम में था आमिर सोहेल। 20 साल तो ही हो गया उस तो बाद 2 साल ही खेले। आमिर सोहेल तो आउट समझे ना, वो 94-95 में आउट हो गया होगा, 96 में हो गया। सईद अनवर वो हम पहले पूछ चुके हैं। सईद अनवर हमने टोरंटो में किया था मेरा ख्याल है। और यूसुफ कब रिटायर हुआ? यूसुफ ने भी हो गया ऑलमोस्ट 10 साल हो गया। सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सोहेल। आमिर सोहेल पहले है भाई। अगर आमिर सोहेल है तो फिर इंजमाम भी आता है उसमें। फिर इंजमाम के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंजमाम भी तो बड़ी देर तक खेलता रहा है। 15। ताल्लुक कराची, लाहौर, केपी एंड मुल्तान। ठीक है, इंजमाम पर मेरा फोकस होता है। अच्छा जी, ताल्लुक इनका मुल्तान से? नो। अजी लेफ्ट ते राइट दा एक बार कर लो, एक सवाल जाया तो होना ही। हाँ जी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये? यस। सईद अनवर ही है? आमिर है या सईद है, दोनों जो एक। और दोनों ओपनर है? दोनों ओपनर ने, वो तौबा दी जोड़ी सी। एक का ताल्लुक लाहौर से है, दूसरा कराची से है। अच्छा जी, ताल्लुक सिंध से है? जी। वी आर क्लोज। 18 सवाल। दिस गाय हैज टू बी सईद अनवर। ये फ्लिक शॉट पे छक्का मारने की शोहरत रखते थे? यस। सईद अनवर पूछा आपने भाई। जी बिल्कुल। फ्लिक शॉट पे छक्का क्रिकेटर की, बैट्समैन की मिराज समझी जाती है। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। अब चलते हैं अली अवैस के गाने की तरफ। छाप तिलक सब चीज